लोगों का मसीहा है, वो लोगों का भगवान है, वो नाउम्मीदों की आखिरी उम्मीद है, वो बेसहारों का सहारा है, वो बेघरों का रखवाला है, वो बेबस मजलूम लोगों का मददगार है, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है, वो है रियल लाइफ हीरो। आपने दुनिया के कई अजीबोगरीब लोगों और उनके कारनामों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम जिस शख्स से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, यकीनन इस जैसा अजूबा आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। यकीनन इस शख्स ने दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल रखी है जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो, और जब आप इस शख्स के कारनामों के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस शख्स के कारनामों के बारे में बताने से पहले आइए इसका तारुफ आपसे कराए देते हैं। नाम सैम चाइल्डर्स, उम्र 53 साल, पेशा बेसहारों का सहारा बनना। क्या आपने कभी ऐसा कोई शख्स देखा है जिसके एक हाथ में बाइबल हो और दूसरे हाथ में मशीन गन? और शायद यही वजह है कि सैम चाइल्डर्स को दुनिया मशीन गन प्रीचर उर्फ मशीन गन वाला मसीहा के नाम से जानती है। लेकिन चलिए हम एक बार फिर आपसे पूछते हैं, क्या आपने किसी ऐसे शख्स को देखा है जो बेबस, मजबूर, लाचार और मुफलिसी के मारे लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दे? अगर नहीं तो इस रुआबदार चेहरे को एक बार जरा गौर से देख लीजिए। पहली नजर में देखने पर इस चेहरे में ऐसा कुछ भी खास नजर नहीं आएगा सिवाय सैम की बड़ी बड़ी हैंडल बार मूछों के। लेकिन जब आप सैम के काम के बारे में सुनेंगे तो आप भी शख्स को ना जानते हुए भी इस शख्स की तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। आखिर यह शख्स है कौन और इस शख्स ने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से लोगों ने इसे भगवान, एक मसीहा का दर्जा दे डाला? वैसे आपको बता दें, सैम शुरू से ऐसा नहीं था। उसकी जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव आए, कुछ ऐसे हादसे, कुछ ऐसे वाकिए जिसने उसकी जिंदगी के मायने बदल कर रख दिए। खुद में मस्त रहने वाला और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले इस शख्स का पूरा नजरिया ही बदल गया। अब सैम के एक हाथ में बाइबल रहती है और दूसरे हाथ में बंदूक। एक ऐसा इंसान जो धर्मात्मा तो है लेकिन मशीन गन चलाता है। इस इंसान के एक हाथ में अगर बाइबल है तो यह अपने दूसरे हाथ में बंदूक पकड़े रहता है। यह खून बहाता है लेकिन आतंकियों को मारने के लिए। इसकी गोली से किसी की मौत होती है लेकिन मरने वाला हमेशा एक आतंकी होता है। सैम बंदूक उठाता है तो सिर्फ और सिर्फ बेसहारा इंसानों की मदद के लिए। इसने अपनी एक आर्मी बना डाली है लेकिन मजलूम, लाचार लोगों की रखवाली के लिए। ये इनका अपना नहीं है, ये देश भी सैम का नहीं है, ना ही सैम इन लोगों से बदले में कुछ चाहता है, लेकिन फिर भी ये इंसान इनके लिए सबसे बड़ा मसीहा है। एक ऐसा मसीहा जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिल सकती। दरअसल सैम ही वो शख्स है जो इन बेसहारा बच्चों का सबसे बड़ा सहारा है। यही है जो इन औरतों का इनके अपने ही देश में सबसे बड़ा मददगार है। सैम पिछले 18 सालों से अपने देश अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर हाथों में मशीन गन लिए दक्षिणी सूडान की खाक छान रहा है, और इस इंसान का सिर्फ एक ही मकसद है
और वो है कि सूडान में औरतों और बच्चों को कत्लेआम और जुल्म सितम से बचाया जा सके। साल 1998 में सैम चाइल्डर्स युगांडा आए थे। सैम ने यहां पहुंचने के बाद जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। दरअसल सूडान और युगांडा में सक्रिय आतंकवादी संगठन लोगों का सरेआम कत्लेआम कर रहे थे। बच्चों को पकड़कर उन्हें जबरदस्ती आतंकवादी बनाया जा रहा था, औरतों की आबरू लूटी जा रही थी। सैम के मुताबिक उन्होंने वहां जो देखा उसे देखकर वो अपनी आंखें नहीं मूंद सकते थे, क्योंकि यहां लोगों को जिंदगी से हर कदम पर जंग लड़नी पड़ रही थी। अमेरिका के हाई प्रोफाइल जिंदगी से निकलकर युगांडा में रहना सैम के लिए आसान नहीं था, लेकिन इन बेसहारा बच्चों को देखकर सैम को जैसे जिंदगी जीने का मकसद मिल गया। लेकिन सैम को उस वक्त इस बात का जरा भी गुमान नहीं था कि वो जिन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है उन बेबस मजलूम और लाचार लोगों को दुनिया का एक खतरनाक आतंकवादी संगठन लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी अपनी जागीर समझता है। इस मिलिटेंट ग्रुप का सरगना जोसेफ कोनी और उसके गुर्गे इन लोगों का कत्लेआम ऐसे करते थे जैसे ये इंसान नहीं जानवर हो। इसलिए जैसे ही सैम को इस बात का एहसास हुआ तो उसने एक फैसला किया, फैसला इनके खिलाफ हथियार उठाने का। और उसने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि वो भी तब तक ये जान गया था कि बिना हथियार उठाए वो इन बेसहारा लोगों की हिफाजत नहीं कर पाएगा। इसलिए जैसे ही हथियार उठाया लोगों ने उसे मशीन गन क्रीचर कहना शुरू कर दिया। दरअसल दक्षिणी सूडान में LRA यानी लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी का आतंक है। यह आतंकवादी संगठन दक्षिणी सूडान, चैड और युगांडा जैसे अफ्रीका के कई देशों में सक्रिय है। अलग राज्य की मांग करने वाले इस आतंकवादी संगठन ने आजादी के नाम पर मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इस मिलिटेंट ग्रुप के आतंकवादी महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं और बच्चों को जंग में हिस्सा लेने के लिए मजबूर करते हैं। सूडान में ऐसे हालात देखने के बाद सैम ने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी सारी जिंदगी इन बच्चों को खुशहाल जिंदगी देने के लिए लगा देंगे। लेकिन इन बच्चों की मदद करने के लिए सैम को यहां के खूंखार आतंकी संगठन से सामना करना पड़ा। हालात से भागने के बजाय सैम और मशीन गन प्रीचर के नाम से मशहूर इस शख्स ने एक हाथ में बाइबल पकड़े रखी तो दूसरे हाथ में मशीन गन उठा ली। Fair to say that you're a missionary or are you a mercenary? I will accept it either way. सैम जानते थे कि इन खूंखार मिलिटेंट ग्रुप से अकेले निपट पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और LRA जैसे खतरनाक आतंकी संगठन के खिलाफ अकेले ही जंग की शुरुआत कर दी। लेकिन इस जंग में जल्द ही उन्हें पीपल लिबरेशन आर्मी का साथ मिल गया। सूडान का ये मिलिट्री ग्रुप LRA जैसे मिलिटेंट ग्रुप से लोगों को बचाने का काम करता है। इस मिलिट्री ग्रुप को सूडान सरकार का भी समर्थन हासिल है। दक्षिण सूडान के अनाथ और बेसहारा बच्चों और औरतों के लिए सैम ने सबसे पहले अपनी पत्नी लिन के साथ मिलकर दक्षिणी सूडान के निमूले गांव में एंजल्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका नाम से एक अनाथालय खोला और फिर दो ट्रक और 10 सैनिकों के साथ पूरे सूडान और युगांडा में घूम घूम कर सैम ने ऐसे बच्चों को इकट्ठा किया जिन्हें LRA के आतंकियों ने या तो अनाथ कर दिया था या फिर अपाहिज बना दिया था। इन इलाकों से सैम ने करीब 200 ऐसे बच्चों को सहारा दिया जो अनाथ और अपंग होने के अलावा इलाज न मिलने की वजह से बेहद गंभीर हालत में थे। इन बच्चों के पास ना तो खाने को कुछ था, न पीने के लिए साफ पानी और ना ही इतने पैसे कि वो अपना इलाज करा पाते। गुजरते वक्त के साथ सैम के एंजल्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका अनाथालय में 1000 से ज्यादा अनाथ
और बेसहारा बच्चे और औरतों को पनाह मिल गई। अब ये स्कूलों में पढ़ते हैं, खुश हैं और एंजल्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका अनाथालय में महफूज हैं। सैम के मुताबिक सूडान के वॉर जोन में फंसे बच्चों के रेस्क्यू करने के लिए एक ट्रिप पर करीब $1,000 का खर्चा आता है। इसलिए सैम की हमेशा यही कोशिश रहती है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वो ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों को अपने साथ ला सके। लेकिन सूडान के हालात इस काम में भी उनके हर कदम पर रोड़ा अटकाते रहते हैं। लेकिन सैम ने जिस दिन से इन बच्चों की मदद को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है, कभी हार नहीं मानी है। सैम जानते हैं कि इन बच्चों को बेहतर जिंदगी देने के लिए उन्हें काफी पैसों की जरूरत है। इसलिए जब वो सूडान में बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर रहे होते हैं तो वो दुनिया भर में घूम घूम कर इन बच्चों की मदद के लिए पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। आखिर सैम की जिंदगी का ऐसा कौन सा राज है जिसके बारे में वो अभी खुलकर बात करते हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक वो इसके बारे में बात करना पसंद ही नहीं करते थे। उस राज का भी खुलासा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लोग कहते हैं कि सैम ने इन बच्चों की जिंदगी बदल कर रख दी है, लेकिन बकौल सैम, इन बच्चों ने सैम की जिंदगी बदल दी है। वो खुद मानते हैं कि इन बच्चों की वजह से उनकी जिंदगी और जीने का नजरिया बिल्कुल बदल गया है। इतना ही नहीं, सैम यहां तक कहते हैं कि इन बच्चों की वजह से उन्हें जीने का एक नया मकसद मिल गया है। इन बच्चों की वजह से उन्हें एक नया जन्म मिला है और अब बाकी की बची जिंदगी वो सिर्फ इन बच्चों के लिए जिए। यकीन मानिए, ये सैम का दूसरा जन्म है, ये सैम का दूसरा रूप है। जो सैम आज लोगों के लिए एक मसीहा है, धर्मात्मा है, मददगार है, उसके पहले की जिंदगी उतनी ही बदरंग थी। 20 साल पहले तक सैम ड्रग्स लेने का आदी था। इतना ही नहीं, सैम एक ड्रग एडिक्ट होने के साथ साथ ड्रग पैडलर भी था, यानी वो ड्रग्स बेचता भी था। दरअसल 11 साल की उम्र में ही सैम ने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी थी। 16 साल की उम्र में वो इंजेक्शन और सिरिंज लेने लगा था और अपने नशे की आदत की वजह और जरूरत को पूरा करने के लिए वो ड्रग पैडलिंग यानी ड्रग्स बेचा भी करता था। इतना ही नहीं, सैम एक आउटलॉज मोटरसाइकिल्स क्लब का सदस्य भी रहा है, जो अक्सर लोगों के साथ लूटपाट किया करते थे। लेकिन एक वाक्य, एक लम्हे ने सैम की सारी जिंदगी बदल दी। बस एक लम्हे ने सैम को ड्रग ओवरडोज की वजह से मरने से बचा लिया और इस एक वाक्य ने सैम को जिंदगी जीने का मकसद दे दिया। सैम के मुताबिक वो बिना किसी मकसद के अपनी जिंदगी जिए जा रहा था, लेकिन उस एक वाक्य ने उसकी जिंदगी के मायने ही बदल कर रख दिए। What keeps me going is the same thing that got me started, saving children. जिंदगी का मकसद मिलने से पहले इस हैवान से इंसान और फिर धर्मात्मा बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। 1992 में ड्रग्स और नशे की लत की वजह से सैम की नौकरी छूट चुकी थी, लेकिन ऐसे वक्त में सैम की पत्नी हमेशा सैम के साथ रही और उसे एक चर्च ले गई। चर्च की शरण में आने के बाद सैम ने नशे की लत छोड़ने की कसम खाई और यहीं चर्च के पादरी ने सैम के बारे में एक भविष्यवाणी कर दी थी कि सैम 6 साल बाद यानी 1998 में अफ्रीका के किसी देश में जाएगा और खुदा का काम करेगा। पादरी की भविष्यवाणी सच हुई और अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस के काम के सिलसिले में सैम सूडान आए और यहां सैम ने इन मासूमों और औरतों को जिंदगी से जद्दोजहद करते हुए देखा। उसी दौरान सैम ने जब एक खदान के बाहर पड़ी एक लावारिस बच्चे की लाश देखी, तभी उसने फैसला कर लिया कि वो अब अपनी सारी जिंदगी इन लोगों की खुशहाली के लिए लगा देंगे।
पूरी दुनिया में मशीन गन प्रीचर के नाम से मशहूर इस शख्स की जिंदगी पर अनदर मैन्स वॉर नाम से एक किताब छप चुकी है। इसके अलावा उनके ऊपर मशीन गन प्रीचर नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है। आज आलम यह है कि दुनिया भर में लोग उन्हें सेमिनार में बुलाकर उनके सफर के बारे में जानते हैं। सूडान के अनाथ बच्चों ने सैम की जिंदगी जीने का मकसद ही बदल कर रख दिया। इतना ही नहीं, सैम जो भी पैसा कमाते हैं उसे वो अपने एंजल्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका अनाथालय को दान कर देते हैं, ताकि जिस मकसद के लिए उन्होंने अपना देश, अपना बिजनेस, यहां तक कि अपने परिवार को छोड़ा, वो मकसद पूरा हो सके। यकीनन आज के इस दौर में सैम जैसे शख्स की मिसाल मिल पाना मुश्किल है। आज की हमारी इस पेशकश में बस इतना है, लेकिन आप अपना ख्याल रखें।